पंजाब हरियाणा सीमा को जोड़ने वाली सड़क की हालत खस्ता होने के चलते ग्रामीणों ने गांव अजीमगढ़ मेन रोड पर जाम लगाया। हरियाणा सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। एक दर्जन से अधिक गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सड़क को बनाने की प्रशासन से मांग की। टूटी सड़क होने के चलते हरियाणा से पंजाब जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानियां हैं। 2 किलोमीटर एरिया में टूटी सड़क से कई हादसे हो चुके हैं, कई लोग मौत का ग्रास बन चुके हैं, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया। ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल्द ही सड़क का निर्माण नहीं किया गया तो वो शहीद उधम सिंह चौक पर जाम लगाकर विरोध करेंगे। टूटी सड़क पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार को टूटी सड़क पर पैदल यात्रा कराकर भ्रमण कराया। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार सुनील कुमार ने ग्रामीणों को जल्द सड़क बनने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। आश्वासन दिया है, 65 लाख रुपए की ग्रांटी रोड के लिए आई हुई है। आचार संहिता लगने के कारण अभी हम कार्य शुरू नहीं करवा सकते। कंप्लीट काम जो शुरू होगा वो इलेक्शन के बाद होगा, लेकिन परसों से ये जो रोड के बड़े बड़े गड्ढे हैं इसकी फिलिंग हम शुरू करवा देंगे। मटेरियल हम परसों से हमने बात कर ली है, डलवाना शुरू कर देंगे। रोड का काम इलेक्शन के बाद ही शुरू होगा। पूरी कोशिश करेंगे कि खड़े उतरे और किसान भाइयों की नाराजगी दूर करें। समस्या जी बहुत लंबे समय तो चल रही है, रोड टुटन की समस्या है। जिहड़ा ये रोड है पंजाब नूं दिल्ली नाल ते हरियाणे नाल जोड़दा है, पंजाब बठिंडा अमृतसर वगैरह दा, ते सिर्फ 2 किलोमीटर का टुटा है। इन्ना ज्यादा टुट चुकिया है, ये कई हुण तक टुटन नाल गड्डियां पलट चुकिया ने, कई डैथ हो चुकिया ने, कई बच्चियां नूं सट्टां वज्जियां ने, कई तरह दी प्रॉब्लम आईयां ने। उस करके अज ये जाम लाया सीगा, धरना लाया सीगा। इस दे विच प्रशासन वल्लों नायब तहसीलदार जी आए ने, उन्होंने आश्वासन दिता है कि यह 2 दिनों के छोटे जोड़े ज्यादा खड्डे डूंगे ने भरन की कोशिश करा। तो चोन जाबता लगन कारण 2 नवंबर तो बाद सड़क में जल्दी ही बनाया जाएगा। तो एक होर गल मैं हैरानी ना समझा, सरकार की सोचती है जो 10 साल पहला यही सड़क लई दोहरी मटीरियल पा के उदो 85 लाख रुपया आया सी रिपेयर लई, अज कुल 64 लाख रुपया आया। 10 साल पहला 85 लाख वाली सड़क सिर्फ एक बरसात का पानी नहीं चल सकी, खत्म हो गई। अज जी 64 लाख वाली है किन्ने किन्ना चिर चलूगी? बिल्कुल नहीं जी। जिहड़े साढ़े MLA ने JJP ते ईश्वर सिंह ने, उन्हां दे किले च धौण सरिया सुनिया सीगा कि धौण च सरिया, पर उह सानूं हकीकतों दा नजर आया। MLA बन तो बाद उह इक वार भी नहीं आए। साढ़े सैनी जी ने MP उह भी इस हल्के दे विच सानूं इस सड़क दे उपर दी कदे भी नहीं मिली। 2.74 किलोमीटर दा पीस है सर, इहदी उधर भी पंजाब इधर भी पंजाब, ये हरियाणे दा पीस है। तो BJP JJP गवर्नमेंट जदों दी आई है रूलिंग दे विच आई है, ये बिल्कुल भी इस रोड वल ध्यान नहीं दे रहे। MLA साहब बने ने 2019 तो बाद इस रोड पर भी नहीं आए कदे, ना वो कदे किसी पिंडां दे विच आए ने। यह रोड की है, स्टेट हाईवे है सर, वड्डे शहरां नूं रोड लिंक करता है। इस रोड के उपर काफ़ी स्कूल भी ने, बच्चे सवेरे डिग जाते, एक्सीडेंट बहुत होंगे ने। तुसीं आप देख लो कि जो मीह पैंदा तां इत्थों लंघना भी बेहद मुश्किल हो जाता जी। तो जे इत्थे मेजर प्रॉब्लम यही है कि ना इत्थे एंबूलेंस आउंदी है, क्योंकि जिहड़ा हरियाणा का सिटी है गुला सिविल हॉस्पिटल है वो इत्थों 20 किलोमीटर दूर है सर, वो भी सानूं एंबूलेंस भी पंजाब विच जाके कॉल करनी पैंदी है, वो आउंदी है जी। तो मेन प्रॉब्लम यह है कि कहना कि जिथे जी सड़क बनानी है, साड़ी मंग यह है कि RCC बनाई जाए। लास्ट ईयर भी जिमें असी प्रोटेस्ट किया 2021 सितंबर के, सू SDM साहब ने कहा कि यह काम शुरू हो जूगा, पर वह गलों भी 1 साल बीत चुका, ना SDM साहब दोबारा आए ने, ना इतने कोई MLA आया, ना कोई सरकार का होर नुमाइंदा इतने आया। अज तहसीलदार साहब मौके पर आए थे, कि आश्वासन दे के गए सर? वो सानू कह के गए ने कि पंचायती चुनाव करके 2 नवंबर तक इतने काम नहीं हो सकता, बट उन्होंने कहा कि असं परसों तो इतने रोड पवाना शुरू, कंक्रीट कुछ हद तक पवाना शुरू करांगे, तो बाकी जो प्रोसीजर है वो 3 नवंबर तो शुरू होगा। उन्होंने कहा जे परसों तक साडा करते हैं तो वैल एंड गुड है, नहीं असं फिर सर के परसों प्रोटेस्ट करा, परसों तो बाद प्रोटेस्ट करा, तो उन्होंने ऑफिस के अगे भी प्रोटेस्ट करा सर।